मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना इन दिनों मात्र मजाक बनकर रह गया है। आज मंगलवार को जनसुनवाई शिविर में कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया, जबकि शिविर में 11 विभाग के अधिकारियों का होना आवश्यक है, लेकिन मात्र एक शिविर प्रभारी बाबू मौजूद था। जनसुनवाई में ग्राम भिखारखेड़ी के गंगाराम वास्कले पानी हौज और प्रकाश यादव सेगांव कुटीर का आवेदन लेकर आए, लेकिन कोई अधिकारी नहीं होने के कारण उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। इस तरह शासन के महत्वपूर्ण जनसुनवाई शिविर का खुले आम मखोल उड़ाया जा रहा है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। आज आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हम आवेदन देना आए थे सर। काहे का आवेदन? एक हल्दा पड़ा बंद पड़ा हुआ तो उसको पानी शिक्षित करेंगे हम, चालू डोर घेर के मनुष्य को दिएगा। तो कोई आवेदन किसको दिया आपने? अब साहब को देंगे, साहब यहाँ आए नहीं है। यहाँ पे जन सुनवाई में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है? कोई नहीं आए, मैं आके देखा हूँ तो कोई भी नहीं है, अभी बैठा हूँ यहाँ पे। कब से आए आप? एक घंटा हुआ है। क्या नाम लिखते हैं आप? हम सरनेम आस्केले। नाम? नाम गंगाराम। कहाँ पे रहते हो? भिखारखेड़ी डुमरा पंचायत। आप किस लिए आए थे यहाँ शिविर में? ये मैं आवेदन देने आया था कुटीर का। हाँ, तो यहाँ अधिकारी कोई नहीं था। तो यहाँ पे कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है, एक बज गई। क्या नाम लिखते हैं? मैं राकेश यादव। कहाँ रहते हो? सेगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।